सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। आज का पंचांग 26 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:57 से 9:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 26 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, दूसरे लोग आप पर निर्भर होंगे जो शायद धन्य कानूनी परामर्श से जुड़े हुए हैं। काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और दुश्मन आपकी पोजीशन पाने चाहते हैं। परिश्रम करें और मेहनती व भरोसेमंद के रूप में पहचान बनाएं। छोटे दुर्घटनाओं से बचने के लिए आज यात्रा करते समय सावधान रहें। अपने काम में निपुणता आपको भीड़ में भी अलग बनाती है। अपने प्रियजनों और सहकर्मियों को प्रोत्साहित करें। यह समय मौकों से भरा हुआ है और शुरुआत के लिए बढ़िया है। दूसरे लोगों की बातें सुनना और परिश्रम करना परिवर्तन लाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। आज समय और ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ ऐसे कदम भी उठाएं जिससे लोग आपकी बुद्धिमत्ता के कायल हो जाएंगे। दिल का कुछ समय मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी व्यतीत होगा। अपने ही काम में व्यस्त रहना आज आपको पसंद होगा। नेचुरल प्रोडक्ट्स या नैसर्गिक संबंधित व्यापार मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अपने किए कार्य को बड़े व्यक्ति द्वारा नवाजा जा सकता है। पुराने मित्र से टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ने की कोशिश ना करें। गुस्से में लिया निर्णय आपका नुकसान करा सकता है। तीसरे व्यक्ति द्वारा बनाई गई गलतफहमी को पार्टनर दूर कर पाएंगी। सावधानियां, रुपए पैसों को लेकर किसी पर भी विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित ऋण लेने के लिए योग बन रहे हैं। आज किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित ही रखें और अपने खर्चों में भी कटौती करना अति आवश्यक है। लव लाइफ की बात करते हैं। पति पत्नी में आपसे तालमेल व सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। उदासी या अकेलेपन के कारण आप आज विचलित महसूस कर सकते हैं। एक साथी के साथ के लिए आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने गुणों और रचनात्मकता के कारण कोई खास आपकी तरफ आकर्षित होगा। दुर्घटना चोट या रोग से बचने के लिए सावधानी बरती। नई शुरुआत के लिए आज का समय बेहतरीन है। आपके प्यार और रिलेशनशिप में फ्रेशनेस है जो आपको अपनी चाहत के और भी करीब ले आएगी और आपका प्यार अटूट बनेगा। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांच कर ले कि क्या यह केवल आकर्षण है या आप सच्चे दिल से अपने साथी को चाहते हैं। इसके बाद ही आगे बढ़िए। बात करते हैं करियर की।
किसी भी काम से पहले गहनता से विचार करें ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। कौशल प्रतिक्षण या सही ज्ञान आपको आगे ले जाने में मददगार सिद्ध हो सकता है। अन्य दिनों की तुलना में आज के दिन आपके लिए अच्छा है, जिनमें आपके लिए कई नए अवसर और संभावनाएं हैं। आज आप भीड़ में भी अलग हैं। दूसरों को सुनना व केवल आपको बल्कि दूसरों को भी बेहतर महसूस कराता है। खुद को प्रेरित करें और इस क्षण का मजा लें। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। यह नई शुरुआत करने का समय है। याद रखें, अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझे कि आधा काम पूरा हो गया है। बात करते हैं सेहत की। आज कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों ने व्यायाम करना बंद कर या फिर जो व्यायाम करने की सोच रहे हैं, वो लोग अब इंतजार ना करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है। आज आप पूरे साहस के साथ सेहत मंत्र को पाने में जुट जाएंगे। आज आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और आज आपकी त्वचा बेहद चमकती रहेगी। आज लोग आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछ बैठेंगे। आज का टिप्स, आज आप झूठ ना बोले। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।